हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज शेडी ब्लॉगर प्रीति और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल वाटरमेलन का जूस। हम घर पे ही किस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट्स में पीते हैं उसी स्टाइल से बनेगा ये वाटरमेलन का जूस और उसी टेस्ट का बनेगा। और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस फटाफट से बन जाने वाला ये वाटरमेलन जूस हम आज देखने वाले हैं इसकी रेसिपी। तो वाटरमेलन जूस बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े ग्लास जो होते हैं वो बनाने के लिए, वाटरमेलन जूस बनाने के लिए ये बड़ा सा एक तरबूज कट करके लिया है। इसके बीज मैंने निकाल लिए, आप चाहे तो नहीं भी निकाले तो चलेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ पुदीना पत्ते लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है। और यह आप जो नॉर्मल चीनी होती है वो यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पे पाउडर शुगर यूज़ करने वाली हूँ एंड में। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें पूरे तरबूज डालकर उसमें हम पुदीना पत्ता डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे वो, और 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। पुदीना पत्ता मैंने अच्छे से धो लिया है और ये काला नमक, और ये चाट मसाला। आप यही पे अगर नॉर्मल जो चीनी है वो यूज करना चाहते हैं तो वो ही यूज कर सकते हैं। मैं पाउडर शुगर यूज करने वाली हूँ। ये देखिए, ये हमारा वाटरमेलन का जूस जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है और रेस्टोरेंट से भी काफ़ी अच्छा बनता है, गाढ़ा थिकनेस वाला। ये हमारा बहुत ही थिक ऐसा वाटरमेलन का जूस बनता है क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ करने वाले नहीं, बस हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे कुछ। तो इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों को ये खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से अगर हम वाटरमेलन जूस बनाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैं ये पूरा अच्छे तरह से स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लूँगी और ऊपर से मैं यहाँ पे 4 ये बड़े ग्लास भर के जूस बनाया है मैंने। तो इसके लिए मैंने ये बड़े वाले जो स्पून होते हैं वो 3 स्पून भर के इसमें पाउडर चीनी डाली है। ये चीनी मैंने नॉर्मल चीनी जो है वो मिक्सी में पीस ली है और वही यूज़ कर रही हूँ। तो इन्हें इसे हम डालकर इसे अच्छे से जूस को एक सा कर लेंगे और बस हम इसे सर्व कर लेंगे सर्विंग ग्लास में आइस क्यूब डाल के। यहाँ पे मैंने ये क्रश आइस क्यूब लिए है। जूस है ये सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 ग्लास लिए हैं, ये काफी बड़े ग्लास है। तो ये 4 ग्लास भर की ये जूस बना था। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ये सर्व कर लूंगी। और वाटरमेलन का ही मैंने जब कट किया था वाटरमेलन तरबूज तो उसमें से मैंने कुछ क्यूब्स निकाल लिए थे, उसी से हम इसे गार्निश कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया और ब्यूटीफुल ऐसा हमारा ये वाटरमेलन जूस बन के रेडी हो गया है। आप भी इस समर में इसे इस तरह से बनाकर एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका वाटरमेलन का जूस कैसा बना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस रेसिपी को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को